धम्मो स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको एहिपस्सिको ओप नैको पचतं वेदितब्बो व्यूहिति। स्वाख्यातो भगवता, स्वाख्यातो भगवता, स्वाख्यातो का मतलब है आपने आख्यान सुने होंगे बहुत सारे लोगों के। आख्यान का मतलब है जो वो नैरेट करते हैं, जो प्रीच करते हैं, जो टीच करते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो देशना देते हैं, जो बात को बताते हैं या जो व्याख्या करते हैं, जो अर्थ बताते हैं, उसको बोलते हैं आख्यात। यानी कि सु आख्यात का मतलब है अच्छी तरह से बताया गया, अच्छी तरह से विवेचना की गई, अच्छी तरह से अर्थ बताया गया, अच्छी तरह से समझाया गया। सु का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव तरीके से बिल्कुल मनुष्य और पूरी दुनिया के लाभ के हिसाब से बताया गया, सभी जीवों के लाभ के हिसाब से बताया गया, इसको बोलते हैं सु आख्यातो। भगवता धम्मो, भगवता धम्मो, भगवता का मतलब तो वही है भगवतो या भगवता, यानी भगवान के द्वारा, भगवान ने जो ये बनाया है धम्म, या जो उन्होंने रीडिस्कवर किया है, या उन्होंने पुनः प्राप्त किया है, या प्रकृति से खोजा है जो ये धम्म है। संदिट्ठिको, संदिट्ठिको, सन का मतलब यहाँ होता है सदा, और दिट्ठी माने होता है जो दिखाई देता है, को माने ऐसा, यानी कि संदिट्ठिको का मतलब है जो सदा आपको दिखाई देगा। ये सदा आपको जो दिखाई देगा धम्म, कैसे सदा आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये काल्पनिक नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है जो दृष्टि के सामने ना आए, यानी कि ये आपके सामने दृष्टि के हमेशा रहेगा, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष नहीं है, यानी कि सामने दिखाई देता है, संदिट्ठिको है और सदा दिखाई देगा। अकालिको, अकालिको का मतलब है कालिक, जो होता है वो काल से और समय से, टाइम से संबंधित होता है, यानी रिलेटेड टू टाइम, जो टाइम है उससे संबंधित जो भी चीज़ है उनको काल या कालिक बोलते हैं। तो अकालिको यानी कि इसमें काल नहीं आएगा कहीं, ये अकालिक है, काल से संबंधित नहीं है। काल से संबंधित नहीं है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि आप जैसे ही इस धम्म को सीखते हैं, जैसे ही धम्म में उतरते हैं, जैसे ही धम्म को जानते हैं, वैसे ही बिना काल लिए, यानी अकालिक, बिना काल को लिए, बिना समय गंवाए आपको तुरंत लाभ देगा, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो। अगर आप खराब तरीके से करेंगे तो आपको हानि देगा, यानी कि सम्यक तरीके से अगर आप करेंगे, सीखेंगे धम्म को, तो अकालिक है, तुरंत लाभ देने वाला है, कोई समय नहीं लगेगा। इधर आपने किसी को कहा, बड़े प्यार से कहा कि आप कैसे हैं, उधर आपको जवाब मिलेगा हम बहुत अच्छे हैं। इधर आपने किसी को कहा, गाली देते हुए कहा कि तू कैसा है, उधर ही आपको तुरंत उसका कड़वा जवाब मिलेगा, इसमें कहीं कोई देर नहीं है, ये धम्म है। ऐही पस्सिको, ऐही पस्सिको, ऐही का जो मतलब होता है वो होता है इन्विटेशन है। जैसे भगवा कहते थे, भगवान कहते थे, भगनवान कहते थे, भंगी कहते थे, बुद्ध कहते थे, तथागत कहते थे, ऐही भिक्कू यानी कि आओ भिक्कू। तो ऐही का मतलब है इन्विटेशन देना, बुलाना, आइए, कम एंड सी। ऐही पस्सी को माने है, पस्सी माने होता है देखना, पस्सती माने देखता है, पस्सी को माने आओ और देखो, यानी कि इसको आप आओ और चेक करो। ऐसा नहीं है कि धम्म में आपको आंख बंद करके बुलाया जा रहा है, धम्म में बाकायदा इन्विटेशन है कि आप इसे आइए, इसको देखिए, इसको चेक कीजिए, आपको अगर लाभ होता है तो इसको अंगीकार कीजिए, अगर आपको लाभ नहीं होता है तो आप इसको छोड़ दीजिए। ऐही पस्सिको। ओप नैको, ओप नैको, ओप नैको का मतलब है, इसमें जो नए शब्द है, नए और ये, नए या नैति का मतलब होता है लीड, टू लीड, यानी कि परिणाम की तरफ ले जाने वाला, और नए का मतलब होता है ढंग या पद्धति या मेथड या जो तरीका है उसको बोलते हैं नए, यानी कि ये ऐसा है जो आपको परिणाम तक लेके जाएगा। नैति का माने होता है पथ प्रदर्शक,
मार्गदाता यानी मार्ग दिखाने वाला। ये उपनायकों का मतलब, ओप का मतलब है उपनायक यानी कि सब ऊपर से, ये आपको मार्ग दिखाएगा जो आपको परिणाम तक ले जाएगा। क्या परिणाम ले जाएगा? निब्बान तक यानी निर्वाण तक लेके जाएगा, मुख तक लेके जाएगा। तो ये उपनायकों है जो आपको हाईएस्ट जो इसका रिजल्ट है वो आपको देगा। पचतंग, पचतंग जो शब्द है, पचतंग, पचत अंग, तंग माने होता है वह, तय माने होता है उसको, और पचत माने होता है जो प्रेजेंट में है, यानी वह जो प्रेजेंट में है, वह जो वर्तमान में है, यानी जितने भी लोग हैं जो वर्तमान में हैं, इसको अगर एक शब्द में कहें तो इसको कहेंगे एवरीवन यानी प्रत्येक। पचतंग का मतलब हो गया प्रत्येक जो अभी जीवित है, जो वर्तमान में है। वेदितब्बो, वेदितब्बो, वेदित माने हैं अनुभव यानी फेल्ट, यानी जो आपने ज्ञान का अनुभव किया है उसको वेदित बोलते हैं, और तब्बो माने होता है चाहिए यानी कि ज्ञान का अनुभव करना चाहिए। व्यूहिति, व्यूहिति का मतलब है जो जानकार हैं, जो समझदार हैं, जो बुद्धि हैं। व्यू माने होता है समझदार और ही माने वास्तव में, और ती माने ऐसे, यानी कि जो ऐसे समझदार लोग हैं, जो प्रत्येक हैं, जो जीवित हैं, उन सबको इसका अनुभव करना चाहिए, इस धम्म का अनुभव करना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा जो इसका दूसरा रत्न तय का जो दूसरा रत्न है, यानी जो धम्म, धम्मो है, धम्म का रत्न है, ये इसकी परिभाषा कह सकते हैं या इसके गुण हैं, जो एक एक शब्द में बिल्कुल ऐसे कैसे स्पष्ट हैं। जो लोग विपस्ना करते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि धम्म वास्तव में ही ऐसा है जैसा कि इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में, इस रत्नत्रय में बताया गया है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको ऐहि पस्सिको उपनयिको पचतंग वेदितब्बो व्यूहि ती। धन्यवाद।